वासुदेव। और तीसरा गीत क्या था? नहीं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो बहुत अलर्ट होकर रहना है आपको इस क्लास में, ठीक है ना। तो तीसरा गीत था अच्युतम, तीसरा गीत था तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और चौथा गीत था फिर अच्युतम केशव। तो हम देखेंगे ये गीत भी आपके लिए क्यों गाए गए थे। तो सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सत्र में फिर से मैं एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां फिर बार। और आप सभी यहाँ पे क्यों आए हो, क्यों आए, किसके वजह से आए? वो नन्हे मुन्ने फरिश्ते के वजह से। तो जोरदार तालियां एक बार उसके लिए, उस फरिश्ते के लिए, क्योंकि उसके वजह से आप आए। और आज क्या है विशेष, किसी को पता है आज कौन सा डे है? इंटरनेशनल योगा डे आज नहीं है, इंटरनेशनल योगा डे तब है फादर्स डे। तो फादर्स डे के लिए सभी फादर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और फादर के लिए क्या कहते हैं? जिसमें धरती सा धीरज होता है, धरती सा धीरज, और उसकी जो सोच है ना, वो कितनी ऊंची रहती है, उसकी आसमान जैसे ऊंचाई रहती है, और सारे जितने भी बच्चों के दुख होते हैं वो खुद सह लेते हैं, ऐसे फादर क्या है? ये पिता स्वयं भगवान की, खुदा की जीवित प्रतिमा इस धरा पर होते हैं, उसी को पिता कहा जाता है। तो एक बार जोरदार तालियां पिता के लिए। और आज जो विशेष हमारे बीच में पापा लोग पधारे हैं, ज्यादा नहीं है फिर भी बहुत है, थोड़ा सा खड़े भी हो जाएंगे पापा लोग आज जो होने वाले हैं या ऑलरेडी है, तो जोरदार तालियां इनके लिए। इन पापा लोगों का एक बार फोटो यहाँ से भी वीडियो में ले लो इन पापा लोगों को, तो जोरदार तालियां, क्योंकि ये विशेष है ना, सभी नहीं आते। अगले टाइम से जो नहीं आए हैं उनको आप ये वीडियो दिखा देना, और उनको भी फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। थैंक यू सो मच आने के लिए आप सभी का। तो हम फादर्स डे का भी आज सेलिब्रेशन करेंगे, तो एंड एंड में सेलिब्रेशन करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे और उसके बाद सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप सभी विशेष आज यहाँ पे कौन से क्लास के लिए आए हैं, कौन से क्लास के लिए आए हैं? गर्भ संस्कार है ना, क्यों गर्भ संस्कार हम सभी सुनना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है, कैसा बच्चा चाहते हैं आप सभी, क्या लक्ष्य है आपका, बेबी कैसा हो, आप क्या चाहते हैं, कैसे हो आपका बेबी, आपका बेबी कैसा हो, कुछ सोचा है? तू विचार करना कैसे हो आपका बेबी, बताइए। स्ट्रॉन्ग कैसे, खाली कैसा, फिजिकली मेंटली, बहुत अच्छा, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग। आप कैसा बेबी चाहते हैं? हाँ, बुद्धिमान बच्चा चाहते हैं, कैसे बुद्धिमान बच्चा, वो बताना पड़ेगा कैसे। ओसामा बिन भी बहुत बुद्धिमान था कि नहीं था ओसामा बिन? हाँ, तो फिर बुद्धिमान जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है ना, वैसे इंटेलिजेंट होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम जी के जैसा, क्योंकि हमें इमेज भी देनी पड़ेगी है, क्लैरिटी होनी चाहिए। और कैसे बच्चा चाहते हैं आप, कुछ सोचा है कैसे बच्चा चाहते हैं? पापा लोग कैसा बच्चा चाहते हैं? संस्कारी और शूरवीर, संस्कारी कैसे, क्या क्या संस्कार चाहिए? तो माँ पिता सपोज फोन आता है और बोलते हैं बता दो आज संडे है, मैं घर पे हुई नहीं, ऐसे संस्कार चाहिए माँ पिता के जैसे होता है ना, पिता काफी बार बोलते हैं हाँ बड़ों के सम्मान करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है। और शूरवीर कैसे, शूरवीर झांसी की रानी हो या फिर शिवाजी महाराज हो, है ना, ऐसे शूरवीर होने चाहिए, नहीं तो हमारी माताएं बच्चा चाहते हैं शूरवीर, और चिपकली गिरती है तो डर जाती है, और फिर चाहते हैं कि मेरे बच्चे शूरवीर झांसी की रानी होनी चाहिए। तो पापा चाहते हैं शूरवीर हो और जो बड़ों को सम्मान करे, रिस्पेक्ट कर। बाकी सब पापा कैसे बच्चा चाहते हैं? मेंटली भी पीसफुली हेल्दी होना चाहिए, है ना, पीसफुल भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। और कोई और क्या चाहता है, बच्चे चाहते हैं और कोई क्या चाहता है, कुछ सोचा है? चलो मैं आपको कुछ थॉट्स देती हूँ, आप सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, आंखें बंद करेंगे और जो जो मैं थॉट्स देती जाऊंगी आप उसको विजुलाइज करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए और
और सभी शरीर और अपने मन को एकदम रिलैक्स करेंगे। आपके मन चारों ओर कुछ आवाज आ रही है, हमें उसे नहीं सुनना है, देखना है, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत। ओम शांति। सभी अपने बेबी को, बच्चे को देखेंगे, गर्भ में पल रहा है उस बच्चे को नहीं, 20 साल के बाद जो बच्चा हम सभी के बीच में होगा, बेटा हो या बेटी हो, देखे सभी अपने बच्चे को, विजुलाइज करें, देखे घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है, जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगा, हो सकता है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, साइंटिस्ट हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, वो जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा, देखिए वहां सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है, किसी से कुछ गलती हो जाती है, देखे तभी उसका व्यवहार कैसा है, जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, देखे उस समय उसकी स्थिति कैसी है, सभी एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और अपने बेबी को देखेंगे, शांति शांति शांति। कुछ दिखाई दिया सभी को? कुछ दिखाई दिया? क्या देखा आपने? क्या देखा? कैसे है उसका व्यवहार सभी के साथ? केयरिंग है, सभी से बहुत प्यार से व्यवहार कर रहा है, खुश है, पूरा समय पूरा जिंदगी वो खुश रहता है कि कभी कभी 10% टाइम थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है, थोड़ा सा नाराज हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है, कैसे देखना चाहते हैं आप? पूरा समय वो खुश रहना, जीवन भर है ना, जीवन भर वो सदा खुश रहे, सदा स्माइलिंग रहे ना, जैसे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कैसे था, जीवन भर है ना, जिंदगी भर श्री कृष्ण सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी, सदा खुश रहे, और कैसे चाहिए, लविंग माना जैसे मदर टेरेसा ने सभी से बहुत प्यार किया, डस्टबिन में जिनको फेंका गया था, जिन माता पिताओं को लेप्रसी हुई थी उनको भी निकाला, उनको भी प्यार किया, तो ऐसे लविंग नेचर, किसी से कुछ गलती हो जाती, गलती तो होती है,
गलती हो जाती है, तो माफ करने के लिए भी आना चाहिए। कितना माफ कर सकते हैं? जैसे जीसस क्राइस्ट है ना, जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तभी भी क्या कहा, ये भगवान इन्हें माफ करो, क्षमा करो, है ना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो ये कितनी हाईएस्ट माफ करने की लेवल होगी है। और हम क्या कहते हैं, हम बोलते आपकी इस गलती को ना तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, आपको तो मैं जीवन भर माफ नहीं करूंगा। और एक जीसस क्राइस्ट जिन्होंने कहा इन्हें भगवान माफ करो, क्षमा करो, है ना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे माफी ना, चलो गलती हो जाती है तो हमें बताना भी चाहिए कि गलती हुई है, किस वजह से हुई, ताकि वो वापस गलती रिपीट नहीं हो। लेकिन फिर उन्हें माफ करने के लिए भी आना चाहिए। कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, है ना, जैसे कोविड आया, कोविड में कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, हमारे अपने शरीर छोड़ के चले गए। या फिर चैलेंजेस आते हैं, सडनली 2000 की नोट बंद हो जाती है, चैलेंजेस है ना। तो ऐसे कभी चैलेंजेस आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें स्टेबल रहने के लिए आना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थिति वैसे तो नहीं रहती। कोविड आया, कोविड चला गया, परिस्थिति तो वही वैसे के वैसे रहती नहीं है ना। तो हमें तभी हमारी स्थिति है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति बदल जाएगी। जैसे हमारी अवस्था होगी वैसे बाहर की व्यवस्था होती है। हम क्या बोलते हैं, बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगा, है ना। बाहर सब कुछ अच्छा है तो मैं अच्छा, आपको क्या लगता है ये इक्वेशन ठीक है, बाहर सब कुछ ठीक है तो मैं ठीक, या मैं ठीक तो बाहर सब कुछ ठीक होगा? अब बताइए, बाहर सब कुछ सेट होने के बाद हम सेट हो जाएंगे? हम क्या बोलते हैं, बाहर इतना सब कुछ हो रहा है ना इसीलिए मैं अपसेट हूँ। लेकिन जब ये सेट हो जाएगा तभी बाहर का हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग सभी सेट के पीछे लगते हैं ना, हमें सोफा सेट चाहिए, माताओं को डायमंड सेट चाहिए, टी सेट चाहिए, डाइनिंग सेट चाहिए, लेकिन माइंड सेट जो सबसे अपसेट है ना, अपसेट माइंड सेट से आप कुछ भी बाहर सेट नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमारी स्थिति, हमारी स्थिति माना किसकी स्थिति होगी हम बाद में देखेंगे, तो ये ठीक रहेगी तो क्या होगा, परिस्थिति भी बदल जाएगी। तो हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं। 10th का रिजल्ट आया या फिर 12th का रिजल्ट आया, IIT का रिजल्ट आया, जैसे इस साल का NEET का रिजल्ट आया, इतना सारा गड़बड़ हो गया NEET के रिजल्ट में, उसके बाद भी यहाँ हमें स्टेबल रहने के लिए आना चाहिए। 10th में मान लो अच्छे मार्क्स नहीं मिले, या 12th का रिजल्ट आ जाता है, अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं और एडमिशन नहीं होता है, मेडिकल में NEET का एडमिशन नहीं हुआ, IIT से इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो हमारे लिए अच्छा होता है ना, या इस संसार में भगवान ने कहा है ना गीता के महावाक्य, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। तो यदि मेरा डॉक्टर नहीं बनना, वो अच्छे के लिए होगा। और फिर हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को वैसे तैयार नहीं किया। तो डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर कैसा होना है, इंजीनियर कैसा होना है, हमारी एडमिशन नहीं हुई तो कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट ईयर आप वापस अपीयर भी हो सकते हैं। यदि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो नेक्स्ट साल मैं और ज्यादा मेहनत करूं और फिर और अच्छे नंबर आएंगे। हो सकता है इस बार मेरे रैंक कम है और मुझे अच्छा जो मेडिकल कॉलेज चाहिए वो मिलने वाला नहीं था, इसीलिए मेरे रैंक कम आ गए, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मेरे अच्छे रैंक्स आएंगे तो मुझे अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन ये सिखाएगा कौन उनको? ये सिखाएगी तो घर के जो बड़े हैं वही सिखाएंगे ना, जो मम्मी सिखाएगी। तो इसीलिए गर्भ संस्कार होना ऐसे नहीं, अभी आप आए हो बेबी अंदर सीख रहा है, बेबी के संस्कार हो गए, नहीं। हमें क्या करना है, हमारे संस्कारों में परिवर्तन लेकर आना है। तो ये विशेष प्रोग्राम है ताकि हम बड़े हैं ना, तो इसीलिए सिर्फ मम्मी को नहीं सभी को ही अटेंड करना है। और ये सारा है ना रिसर्च हुआ है, हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया, कुछ लोग यहाँ बॉम्बे में बैठे और कुछ लोग फ्रांस में बैठे थे, और इस रिसर्च में क्या किया गया था, जो भी बॉम्बे में बैठा हुआ साइंटिस्ट है उसको फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना, और इनकी जो सोच चल रही है वो रिकॉर्ड हो रही थी। जैसे अभी मेरा
दिल का है ना, हार्ट का हाल क्या है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, ईसीजी निकालेंगे। वैसे हमारे ब्रेन का, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम ईईजी निकालते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ईईजी से हमें पता चलता है कि आपकी सोच में क्या चल रहा है ना, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव क्या है, वो हमें तभी पता चलता है। तो क्या पाया गया इस रिसर्च में, और वो ग्राफ मॉनिटर पे दिखाई दे रहा था, तो जो ग्राफ बॉम्बे में दिखाई दिया, सेम ग्राफ कहाँ दिखाई दिया, फ्रांस में दिखाई दिया। और फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा, फॉरवर्ड के साइंटिस्ट ने, दैट मीन्स बस हो जाएंगे बीच में आएगा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा, दैट मीन्स ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट, माइंड टू माइंड कनेक्शन एग्जिस्ट। जो कुछ आप बॉम्बे में बैठकर सोच रहे हो वो कहाँ पहुंच रहा है, फ्रांस में, है ना। जो बॉम्बे में सोच रहे हो वो फ्रांस तक पहुंच रहा है। तो आप बताइए, जो यहाँ मम्मा सोच रही है वो बेबी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ना रिसर्च हुआ है। तो इसका मतलब जो कुछ देखो, कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचने वाले, कोई सोचेंगे क्या अपने बच्चे के लिए, लेकिन फिर अपने सासू माँ के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने जेठानी के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने देवरानी के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने सपोज ऑफिस में बड़ों के लिए क्या सोच रहे हैं, हमारे सुपीरियर्स है, हमारे कलीग्स है ना, कोई बहुत कुछ ऊपर नीचे करता है कलीग, उसके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जो कुछ इस सोच बॉक्स में चलेगा वो कहाँ पहुंचने वाला है, वो बेबी तक पहुंचने वाला है। और हम नहीं चाहते कि वो बेबी तक पहुंचे, कोई नहीं चाहता है वो बेबी तक पहुंचे। सिंपल है कि जो मम्मा का सॉफ्टवेयर है वैसे अभी बेबी का सॉफ्टवेयर बन रहा है, माना जो मन है वैसे बेबी का मन बनेगा, और जो बेबी का सॉफ्टवेयर होगा उससे क्या होगा, उससे बेबी का हार्डवेयर, माना बेबी का शरीर का निर्माण होगा, जो शरीर जीवन भर चलेगा। और सॉफ्टवेयर जो है वो एक जन्म के लिए नहीं, वो तो जन्मों जन्मों तक चलता है, वो तो हम आगे देखेंगे। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि बच्चों को कुछ देना है, तो हम क्या चाहते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं अभी थोड़ा कमा लेंगे, घर अच्छा बना लेंगे, है ना, गाड़ी भी ले लेंगे, बंगला भी ले लेंगे, और उसके एडमिशन के लिए भी सब बैंक बैलेंस तैयार करेंगे। ये सब ज्यादा मायने नहीं रखता है, इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि हमने देखा है ना एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से बड़े हुए, जो प्रेसिडेंट बने, हमारे अभी के प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये सभी हमारे सामने एग्जाम्पल्स है। बच्चों को हमें फिजिकल थिंग्स नहीं देने हैं, वो तो अपने भाग्य से बना देगा, उसका भाग्य बनाना है तो उसको क्या देने हैं, अच्छे संस्कार देने हैं, उनका माइंड बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। वैसे भी हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, तो मन शक्तिशाली चाहिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बुक भी आप पढ़ेंगे, विंग्स ऑफ फ्लायर, तो उसमें भी बताया है कि माइंड पावर जो है ना, थॉट पावर सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति, एटॉमिक बॉम्ब से भी सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति। एटॉमिक बॉम्ब भी बनाने के लिए कौन सी शक्ति यूज हो रही है, माइंड की शक्ति यूज हो रही है ना, तो माइंड पावर तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें इतना हमारा मन शक्तिशाली। तो जैसे मम्मा का मन होगा वैसे ही बेबी का मन होने वाला है। यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे शूरवीर हो, शक्तिशाली हो, और मम्मा छोटी छोटी बातों में डर जाएगी, चिपकली गिरी, डर गई, और फिर बच्चे हमें शक्तिशाली नहीं होने वाले। हम चाहते हैं हमारे बच्चे स्माइलिंग हो, सदा हैप्पी हो श्री कृष्ण के जैसे, और मम्मा छोटी छोटी बातों पे नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रही है, गुस्सा कर रही है, और फिर हम चाहते हैं हमारे बच्चे सदा खुश रहे, पॉसिबल है क्या बताइए, क्योंकि जो यहाँ सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर वहां बनने वाला है, उसी से उसके हार्डवेयर का निर्माण होने वाला है। अभी मम्मा चाहती है कि बच्चे बहुत लविंग हो, मदर टेरेसा के जैसे, और फिर मम्मा कभी कभी थोड़ा सा नफरत, थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो बहुत अटेंशन देना, हम देखेंगे ये सब कैसे करना है, लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें ये सब करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये ही पता नहीं होगा तो फिर हम करेंगे नहीं। जब हमें पता चलता है कि अच्छा इसका ये असर होने वाला है, और ये सब जो बातें मैं अभी बता रही हूँ ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। इंडियन कल्चर में जब मैं आई तभी अर्जुन का ये चल रहा था, है ना, चक्रव्यूह के बारे में अर्जुन बता रहा था।
तो ये हमें हमारे इंडियन कल्चर में 16 से है ना 1600 सेंचुरी से ये चल रहा है, 16 सेंचुरी से। अभिमन्यु ने कहा सीखा चतुर्व्यूह भेदना, गर्भ में सीखा, लेकिन अर्जुन जब बता रहा था तो सुभद्रा सो जाती है तो वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे बाहर कैसे आना था वो पता नहीं। अभी हमारा ये पूरा जीवन जो है वो क्या है, चक्रव्यूह ही है, तो हमें उनको सब सिखाना पड़ेगा। चलो अभिमन्यु की कहानी तो आप सभी को पता होगी, आप सभी को शायद अष्टावक्र जी के बारे में पता नहीं होगा। अष्टावक्र जी जो थे तो जब भी वो गर्भ में थे तो माँ चाहती थी कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो क्या करती थी, अपने पिता के भी क्लास में जाकर बैठती थी और अपने माता अपना अपने हस्बैंड के पिता और पति दोनों के क्लास में जाकर बैठती थी। अभी जो इनके हस्बैंड थे वो बहुत गुस्से वाले थे, कुछ भी हो जाता था ना तुरंत गुस्सा आता था। अभी क्या होता था, जब ऐसे ही आप सुन रहे हैं वैसे वो प्रवचन सुनती थी और यहाँ से पापा ने कुछ गलत बोला है ना, अष्टावक्र के पापा ना सुजाता के हस्बैंड, तो जो अष्टावक्र छोटू अंदर गर्भों में था वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो तुरंत कैच कर लेता था कि पापा ने बोला है वो गलत बोला है, तो वो क्या करता था तुरंत अंदर से ऐसे हम बोलते ना ये क्या आपने तो गलत बोला, और फिर पापा को भी समझ में आता था कि ये बच्चे को समझ में आया है, तो क्या करते थे तुरंत गुस्सा करते थे। और पहले वाले ऋषि मुनि क्या करते थे, गुस्सा करते थे तो श्राप देते थे। तो कहते हैं कि ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान 8 बार हुआ, कितने बार 8 बार, और इस निगेटिविटी की वजह से क्या हुआ, जो छोटू अष्टावक्र जब भी पैदा हुआ तो उसके शरीर में कितने कर्व्स थे, अष्टावक्र माना क्या अष्ट माना 8, कर्व्स तो वक्र माना कर्व्स, तो 8 कर्वेचर्स उसके बॉडी पर आए, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया अष्टावक्र। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट हुए क्योंकि इन्होंने पापा के भी क्लासेस सुने थे, अपने दादा नाना के भी क्लासेस सुने थे, इतने इंटेलिजेंट हुए कि आगे चलकर ये किसके गुरु बने, राजा जनक के गुरु बने। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से ये सारे जो कर्वेचर्स है उसको भी ठीक कर दिया। इनका एक साउथ में टेम्पल भी है ना, बाद में फिर वो बहुत स्मार्ट दिखने थे। तो अभी ये स्टोरी है, लेकिन स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, और साइंस भी इसको क्या कहता है, हाई लेवल सेरेब्रल पाल्सी, सीपी बोलते हैं। तो इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रहता है लेकिन फिजिकल लेवल पे कर्वेचर्स आए। अभी किसने गुस्सा किया था, यहाँ पे गुस्सा किसने किया था, पापा ने गुस्सा किया था। तो यहाँ से हमें क्या सीख लेनी है कि सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, किसका किसका असर हो रहा है, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है ना। तो कभी कभी हो सकता है, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है तो दो ही लोग रहते हैं, लेकिन बाकी नहीं तो दादा दादी है ना घर में जो भी है। इसीलिए ये जो सेशन है ये सभी को अटेंड करना है, घर में जितने भी लोग होते हैं दादा दादी नाना नानी, तो नेक्स्ट टाइम आप उनको लेकर आ सकते हैं, या मेरा रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे हम लोग डालते हैं, डॉक्टर सुभद्रा गांधी गर्भ संस्कार इन्फर्टिलिटी चैनल है तो उसपे डालते हैं। तो आप उनको बताइए कि आप सुनिए, है ना, क्योंकि आप बोलने से शायद वो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये डॉक्टर बता रहे हैं। और ये सब हम जो भी बातें कर रहे हैं साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है उसके बाद कर रहे हैं, और साइंस की भी बातों की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब हमारे इंडियन कल्चर में ही है। आपने शायद और एक वीडियो देखा होगा जिसमें प्रहलाद का वीडियो था, है ना, प्रहलाद के केस में क्या दिखाया गया है, प्रहलाद किसका बच्चा है बताइए, प्रहलाद किसका बच्चा है, हिरण्यकश्यप है ना, हिरण्यकश्यप को कौन था, राक्षस था, राक्षस माना क्या और नेगेटिविटी। अभी उसके बावजूद प्रहलाद क्या हुआ, प्रहलाद को क्या दिखाया है, विष्णु भक्त। कैसे बना विष्णु भक्त, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय इंद्र ने क्या किया था, इसकी माँ को जब वो गर्भवती थी हिरण्यकश्यप की बीवी, तो उसको बंदिस्त करके नारद मुनि के आश्रम में रखा। और जब नारद मुनि प्रवचन करते थे तो एक बार क्या हो जाता है, जैसे सुभद्रा सो गई थी तो ये प्रहलाद की माँ भी सो जाती है, फिर ये भी नेचुरली बंद करते क्योंकि दिखाई तो यही देता है ना कि आपको मैं सुना रही हूँ आप सो गए। और फिर तभी उस वीडियो में दिखाया है, आपने यदि ठीक से देखा होगा है ना, अंदर जो प्रहलाद था वो नारायण नारायण ऐसे बोलता है, और तभी नारद मुनि को समझ में आता है कि माँ सो गई है लेकिन ये बेबी जो है वो सुन रहा है, इसीलिए फिर वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारा इतना जब भी प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने सुना, तो इस ये स्टोरी है। फिर स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीन्स क्या है उस बच्चे में,
जींस तो माता पिता के ही आएंगे ना, खानदानी जींस आते हैं, तो खानदान से कौन से जींस मिले हैं, निगेटिविटी के जींस मिले हैं। लेकिन बच्चा कैसे हुआ, ऑल पॉजिटिविटी, विष्णु भक्त हुआ, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट का असर हो रहा था। तो माँ का तो सबसे ज्यादा असर होता है क्योंकि वो माँ के शरीर का पार्ट है, दूसरा जितने भी घर वाले है ना पापा का, और जितने भी घर वाले है, तो जो भी आसपास में, इसीलिए पहले जमाने में जब माताएं गर्भवती होती थी ना, तो उनको बाहर नहीं निकलने देते थे। हम क्या सोचते हैं कि क्या गवार जैसे बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि कोई किसी के निगेटिव विचार है तो उसका इफेक्ट जो है ना, वो वाइब्रेशन, वो इफेक्ट बच्चे के ऊपर नहीं आना चाहिए। चलो हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आपको बाहर नहीं जाना है, तो हमें क्या करना है, माँ को बहुत पॉजिटिव होना होगा, और जो जो घर वाले है, क्योंकि सभी, कोई घर वाले भी नहीं चाहेंगे कि मेरे जो भी हमारे घर में पोता पोती आने वाली है वो कैसे भी होगा, है ना। जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे विचारों का भी असर उस आने वाले बच्चे के ऊपर होने वाला है, तो क्या होता है, वो भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमें उनको ये बहुत प्यार से बताना होगा जो जो आप, क्योंकि नहीं तो हो सकता है मम्मा शांत रहती है लेकिन फिर दादा दादी गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा है, तो ये भी ऐसे बहुत कम होगा क्योंकि उस समय हमारे जनरेशन से उनमें ये सारे जो वैल्यूज कल्चर वो बहुत अच्छा ही था, लेकिन उसका भी असर। तो इसलिए मम्मा को देखना है कि मम्मा कौन से एनवायरमेंट में जाती है, तो हमें जहाँ निगेटिविटी है वहां जाना अवॉइड करना है, जहाँ पॉजिटिविटी होगी। और इससे और क्या बात पता चलती है हमें, कि इससे क्या हो रहा है कि कभी कभी होता है हमारे खानदान में कोई बीमारियां रहती है, मान लो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो साइंस ने ये प्रूव किया जीन्स हमारे क्या है, हार्डवेयर है, उसको मैनिफेस्ट होना जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी लाइफस्टाइल क्या है। यदि हम अच्छा खाना खाते हैं, सात्विक भोजन है, हम अच्छे विचार करते हैं, हमारे विचारों में सात्विकता है, पॉजिटिविटी है, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी जो पॉजिटिव लाइफस्टाइल होगी तो उससे हमारे जो हेल्दी जीन्स है ना वो उत्पन्न होंगे। मतलब हर एक के शरीर में दोनों जीन्स होते हैं, एक होता है जिससे हमें बीमारियां होंगी और दूसरा होता है जिससे हमें बीमारियां नहीं होंगी। एक है डिसीज प्रिवेंटिंग और एक है डिसीज कॉजिंग। यदि मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, मैं खुश रहती हूँ, भोजन सात्विक है, तो क्या होगा, हेल्दी जीन्स, डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन अप होंगे और डिसीज कॉजिंग जीन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगी। तो इसीलिए हर एक को बीमारी नहीं होती है, नहीं तो एक घर में चार लोग है वही खाना खा रहे, वही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनके विचार कैसे चल रहे हैं, क्या वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो भी सारी बीमारियां हो रही है उसके लिए हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स के, इसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, और उसके ऊपर असर किसका हो रहा है, हमारे विचारों का असर होता है, और फिर उसके ऊपर हमारे, यदि हम खुश रहेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स। तो हैप्पी हार्मोन्स कब रिलीज होंगे, जब हम हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स होंगे, नहीं तो क्या होगा, हम गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, मूड ऑफ होगा, तो हमारे शरीर में निगेटिव हार्मोन्स है ना, जिसको एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये सारा जो है ये हमें साइंस भी बता रहा है, और साइंस के पहले इंडियन कल्चर में भी था। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जैसे ये जर्नल है, जर्नल में काफी सारी बातें हमने विशेष ये जर्नल आप लोगों के लिए बनाया है, तो इसमें ये जो जो अभी मैंने बातें, जैसे हमने देखा कि हमारा बेबी कैसा होना चाहिए, सदा स्माइलिंग हो, श्री कृष्ण के जैसा हैप्पी हो, तो ये सारा हमने एक ऐसे पोस्टर बनाया हुआ है, या जिसको आप चार्ट कह सकते हैं। तो आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, आप फ्लेक्स पे भी बना सकते हैं, बड़ा बनाकर रख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे ऑल्टरनेट इमेज है, जैसे मेरा बच्चा कैसे है, एज पावरफुल एज माँ दुर्गा, या एज हैप्पी एज श्री कृष्णा। तो मम्मा को ये बार बार विजुलाइज करना है, उसको ये नहीं बोलना है कि आप श्री कृष्ण के जैसे बनोगे, नहीं, वो ऑलरेडी है, तो उसको क्या बोलना है, यू आर एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, यू आर एज पावरफुल एज माँ दुर्गा, यू आर एज लविंग एज मदर तेरेसा, यू आर एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अल्टरनेट क्यों,
दिया है, एक बेटी है, एक बेटा है ना, एक फीमेल एक मेल, क्योंकि जो भी बेबी होने वाला है वो बेटा हो या बेटी हो, हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे बेटी ही चाहिए है ना। कभी कभी ऐसे होता है, लोग तो गलत सोचते थे और फिर इसीलिए जैसे फीमेल फिटिसाइड है ना, स्त्री भ्रूण हत्या, ये सब रोकने के लिए काफी कुछ प्रयास करना पड़ा, तो हम सोचेंगे चलो मुझे तो बेटी चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचना है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होगा आपने सोचा बेटी चाहिए और मान लो कि बेटा है, तो डिलीवरी के बाद आप बेटा हुआ तो भी आप उसको प्यार करेंगे, ऐसे नहीं कि आप उसको प्यार नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो रिजेक्शन फीलिंग उसको पहले से ही मिलना चालू हुआ था, उसको क्या लगता है कि ये तो और किसी का इंतजार कर रहे, तो हमें ये भी नहीं सोचना है बेटा हो या बेटी हो, इसीलिए दोनों हमें विजुलाइज करना है, बेटी को भी विजुलाइज करना है, श्री कृष्ण को भी विजुलाइज करो, श्री राधे को भी विजुलाइज करो, दोनों के सेम है कैरेक्टर, मेल और फीमेल ये हमारा एक सिर्फ कॉस्ट्यूम होता है ना, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो जो भी होगा तो वो कैसे होना चाहिए, ये सारे वैल्यूज और भी वैल्यूज आप जैसे देखना चाहते हैं, यहाँ पे है डॉक्टर दादी जानकी जी जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के चीफ थे, है ना, यहाँ पे भी फोटो में आप देख रहे हैं इस तरफ जो दादी है, तो दादी जानकी ने 104 इयर्स में शरीर छोड़ा, 104 इयर्स, आप सोचो, और दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया था 1978 में, यूएस में, टेक्सास में, सभी स्पिरिचुअल लीडर्स को, पूरे विश्व से काफी लीडर्स को बुलाया गया था और उनको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो हर समय जैसे हमने ईजी की बात की थी तो ईजी इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे और देख रहे थे कि इनके जो थॉट वेव्स निकल रहे हैं, तो डेल्टा वेव्स माना क्या, जब हम सो जाते हैं ना गहरी नींद में तभी हमारे डेल्टा वेव्स रहते हैं, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा ऐसे, तो वो हमारे माइंड की मन की स्थिति को दर्शाते हैं ना, बीटा होना जब हम अभी बात कर रहे हैं, आंखें खुली है तो मेरे कितने संकल्प चलेंगे, ऑलमोस्ट 12 to 18 संकल्प चलते हैं, जब मैं आंखें बंद कर लेती हूँ तो हमारे थॉट्स थोड़े कम हो जाते हैं, 8 से 12 चलते हैं, फिर धीरे धीरे और थोड़े थॉट्स हम कम कर लेते हैं, और जब हमारे थॉट्स बिल्कुल एकदम एक दो रहते हैं तो हम डेल्टा वेव्स में चले जाते हैं और तभी हमें नींद आती है, इसीलिए हम सोने से पहले 10 बजे सोना, 10 बजे तक हम व्हाट्सएप पे रहे, हम सब ऑफिस का कर रहे हैं, मेल्स को रिप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है माइंड बहुत हाइपर है, और फिर आप सोने जाएंगे तो शरीर सो जाता है, लेकिन माइंड जब तक नहीं सो जाएगा, माइंड के वेव्स जो है थॉट वेव्स कम नहीं होंगे तब तक आपको डीप स्लीप नहीं आएगी, तो दादी के हमेशा क्या वेव्स देखेंगे, डेल्टा वेव्स, तो इसलिए दादी को क्या अवार्ड से नवाजा गया, डेल्टा वुमन इन द वर्ल्ड, तो दादी से आप सभी को है ना ब्लेसिंग्स मिल रहे, जोरदार तालियां एक बार दादी के लिए, दादी ने भी शरीर छोड़ा छोटे बच्चे लेके कहां पे, तो ऐसे हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है, और ये विजुलाइज कब करेंगे हम, रोज आपको सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही हमें विजुलाइज करना है, क्यों रात को सोने से पहले विजुलाइज करना है, रात को क्या हो जाता है, जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागृत हो जाता है, जो जो प्रोग्रामिंग है वो किस अनुसार होती है, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा क्या प्रोग्रामिंग है, अभी जो मैं बातें यहाँ बोल रही हूँ ऐसे नहीं कि नया है, कि अभी मैंने कहा कि आपको खुश रहना है, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना, ये हर एक को पता है, नया कुछ नहीं है, गुस्सा नहीं करना सभी को पता है, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ तो सिचुएशन आती है ना, जैसे मान लो बच्चे है ना, वो स्नान करने जाएंगे आएंगे, या बच्चे क्यों, बड़े होने के बाद भी आप लोगों के हस्बैंड भी कभी कभी वो गीला टॉवेल जो है वो वहीं पे डाल देंगे और फिर आपको तुरंत क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्यों ऐसे होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमारी प्रोग्रामिंग वैसे हुई है, हमारे संस्कार वैसे बने हैं, स्वभाव हमारा वैसे बना है, तो इसीलिए यदि मुझे चेंज होना है तो मुझे कहाँ चेंज करना होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर चेंज करना होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कब होता है, जब हम सोने जाते हैं, तो जो जो प्रोग्रामिंग हमें चेंज करनी है वो हमें कब करनी है, वो थॉट्स हमें रात को सोने समय लेने हैं और रोज सुबह उठते ही, क्योंकि जैसे हम रोज सुबह उठेंगे तो क्या होता है, थोड़ा समय के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, फिर कॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है, जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है, आपने ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर इंक डाली
और वो सैचुरेट हो गया, उसके बाद आप कुछ डालेंगे तो वो एब्सॉर्ब कर सकता है क्या? वो एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। तो वैसे ही हमारा मन होता है, तो सुबह सुबह हमें क्या डालना है, बहुत अच्छे अच्छे बातें, बहुत पॉजिटिव बातें। इसीलिए पहले जमाने में क्या होता था, सुबह आप देखो घर में सिर्फ भक्ति संगीत, मुझे याद आता है उस जमाने में रेडियो चलता था और रेडियो में सुबह सुबह वो भक्ति संगीत कार्यक्रम होता था। तो बचपन में क्या हमारे ऊपर संस्कार हुए, लेकिन अभी क्या होता है, अभी टीवी ऑन होगा और उसमें भी डिबेट ऑन होगा, उसमें भी क्या ब्रेकिंग न्यूज ऑन होते रहेंगे। तो वो सारा इतना हाइपर यदि हम बच्चों को देंगे तो आने वाले बच्चे क्या होंगे, हाइपर ही होंगे, होंगे कि नहीं? अभी मम्मा टीवी के सामने बैठती है, रिमोट लिया और 5 मिनट में कितने बार चैनल चेंज होते हैं, तो फिर इतना चैनल चेंज हो रहा है, तो जैसे मम्मा चेंज कर रही है तो बेबी भी अंदर हाइपर हो रहा है, टक 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 टक, बेबी भी अंदर टक टक, बाहर आने के बाद भी टक 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 उठता ही रहेगा। और फिर हम बोलेंगे एक जगह शांति से नहीं बैठता है, कहाँ से सीखा आया है, कहाँ से सीखा उसने, हमने ही उसको सिखाया। तो हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए ना, जब मोबाइल की बात आती है तो मोबाइल में हमें बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं, देखो साइंस जो है, टेक्नोलॉजी है, वो वरदान भी है, वो श्राप भी है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो यूज करने वाला। अभी जैसे नाइफ है तो वो मेरे हाथ में आएगी तो मैं किसी की जान बचा दूंगी, और वही नाइफ किसी के हाथ में जाएगी, कोई खून भी कर सकता है। तो नाइफ के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, यूज करने वाला कौन है। तो मोबाइल से हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखे है ना, कोई कोई बहुत अच्छे म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब कॉन्टेस्ट चलते हैं, जो भी। तो आपको बहुत सिलेक्टिव होना है, क्योंकि बेबी के लिए देखने के लिए विंडो क्या है आप बताइए, बेबी क्या देखेगा, बेबी क्या देखेगा, जो माँ देख रही है, माँ देख रही है, सास भी, फिर कभी बहुत ही क्राइम रिपोर्टर, डिबेट, ब्रेकिंग न्यूज, तो फिर बेबी क्या सुनेगा। बेबी के लिए सुनने के लिए देखने के लिए विंडो माँ है, जो माँ देख रही है वही बेबी देख रहा है, जो माँ सुन रही है वही बेबी सुन रहा है। अभी डिलीवरी होने के बाद 1 महीने के बच्चे को आप कहेंगे घर वालों को कि मुझे इसको लेके थिएटर जाना है, कोई अलाउ करेगा क्या? लेकिन अभी बेबी अंदर है तो आप जाते हो। सबसे ज्यादा असर अभी हो रहा है, असर कब होता है, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंस ने ये प्रूव किया है। फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आए, इंट्रा यूटराइन पीरियड 9 months 270 days प्लस 2 years पोस्ट डिलीवरी 365 प्लस 365, ये काउंट होता है फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। इस समय जो अंदर बेबी है उसकी रिसीविंग पावर, उसकी कैचिंग पावर 100% है, जो कुछ उसके आसपास हो रहा है उसको वो कैच कर रहा है। इसीलिए हमें बहुत अलर्ट होना है, अटेंटिव रहना है। कभी तक 2 साल तक, बच्चे का 2 साल का आप जन्मदिन मनाएंगे तब तक आपको उसको सिर्फ पॉजिटिव 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 बातें ही देनी है। यदि हमने ऐसे किया तो आने वाले बच्चे, अभी मान लो कि मम्मा ने, पापा ने, घर वालों ने कभी गुस्सा किया ही नहीं, तो उसको पता चलेगा कि गुस्सा क्या है। वो बाहर आने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो वो पूछेगा ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे हुआ ना, जैसे भगवान बुद्ध बाहर गए ही नहीं थे, उनको दुख क्या है पता ही नहीं था। जब वो बाहर गए तभी उन्होंने देखा कि गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, बीमारियां क्या होती है। तो यदि घर वालों ने, सभी ने, विशेष मम्मा ने ध्यान दिया तो उनको, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा गुस्सा क्या होता है, नफरत क्या होती है, डर क्या होता है। और इसीलिए माँ को इन सभी वैल्यूज से, शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही फिर बच्चे का सॉफ्टवेयर बनेगा। तो रोज सुबह उठते ही और रोज को रात को सोते समय, और यदि हमने ये सारा नहीं किया तो क्या होगा, यदि मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज होती रहेगी, मूड ऑफ होता रहेगा, गुस्सा करती रहेगी, ये सारा स्ट्रेस होगा, तो वो स्ट्रेस का असर कहाँ हो रहा है, मम्मा के ऊपर भी होता है, माँ के हेल्थ के ऊपर भी होता है। आजकल हम देखते हैं कि मम्मा को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। डायबिटीज एक्सपेक्टेड, मतलब उसको डायबिटीज डिटेक्ट होता है, तो उसके वजह से बेबी के ऊपर भी असर होता है, और फिर आगे चलकर आपको भी लाइफ में डायबिटीज होने की रिस्क बढ़ती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा
तो कभी कभी इतना बढ़ता है कि आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर इतना बड़ा आकड़ी आई, कन्वर्जेंस आया, कभी कभी माताएं उसमें हमारी जान भी खो देती है। तो इतना सारा स्ट्रेस का असर होता है, माँ के ऊपर भी हो रहा है और माँ से क्या होगा फिर बेबी के ऊपर होगा। बेबी के ऊपर माना जैसे अभी हमने कहा क्या होता है, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे फिर ब्लड सप्लाई जो है एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन, ब्लड सप्लाई कम हो गया तो ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, हमारे बच्चों का वेट ठीक से नहीं बढ़ता है, बच्चे के बाजू में जो पानी की मात्रा है वो ठीक से नहीं बढ़ती है, और फिर इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा जब वो पानी की मात्रा कम है वो सांस ठीक से नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन की मात्रा ठीक से नहीं, तभी उसकी जो मोशन की जगह है ना वो खुलती है, नहीं तो पूरा 9 महीना बच्चा पेट के अंदर है, बच्चा कभी पॉटी नहीं करता है, पानी पीता है जो पानी आसपास है, पेशाब करता है, ये चालू रहता है, लेकिन मोशन नहीं, क्योंकि नेचर ने ये सारा जो सिस्टम बनाया है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन हम गड़बड़ कर देते हैं। तो अभी बच्चे वो मोशन की जगह खुली तो क्या हुआ, मोशन आया, सॉलिड पार्टिकल्स, वो पानी निकल रहा है तो पानी कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में चला जाता है, और इसीलिए फिर वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, हार्ट बीट उसके कम होते हैं, तो हम बताते हैं कि अभी हार्ट बीट कम हो गया है, बच्चे ने पॉटी किया है, इसको सीजर करना पड़ेगा, सीजर करके इसको बचाना पड़ेगा, थोड़ा सा है तो ऑक्सीजन लेकर बच्चा यहीं रहता है, कभी ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या होता है बच्चे को हमें कांच की पेटी में रखना पड़ता है, एनआईसीयू में रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो बच्चे को कभी कभी वेंटिलेटर सपोर्ट भी लगता है। जो बच्चे कमजोर होते हैं ना डिलीवरी होते समय, 9 मंथ्स में डिलीवरी होनी चाहिए, मतलब 36 वीक्स के बाद कभी भी होगी नो इश्यू, लेकिन तभी बेबी का वेट कितना होना चाहिए 2.5 kg, लेकिन फिर जब बच्चे के लिए ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा है तो बेबी का वेट कभी कभी कितना रहता है, हमने 750 ग्राम के बच्चे निकाले, 800 ग्राम के बच्चे निकालकर हमें एनआईसीयू में रखने पड़ते हैं, 28 वीक्स में डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इतना कम हो जाता है, इतना कम कि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा तो अंदर वो उसकी जान चली जाएगी, इसके लिए जान बचाने के लिए 800 ग्राम के बच्चे हमें निकाल कर एनआईसीयू में रखने पड़ते। थोड़ा सा यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन एक्सपेक्टेड मदर्स को अपने बच्चे के लिए बहुत खुश रहना है, शांति से प्यार से, जिसको जो करना है हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम सभी को नहीं बदल सकते, इसीलिए आप उनको ये लेक्चर ये जो है सेशन वो दिखाइए, सभी को चेंज होना ही है, लेकिन यदि वो नहीं चेंज होते तो भी मुझे मेरे बच्चे के लिए कैसे रहना है, खुश रहना है, शांत रहना है, प्यार से रहना है, बाकी सब बातें ना आप डिलीवरी के बाद 2 साल के बाद जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन तभी आपको बहुत अलर्ट होना है, अटेंशन देना है। तो ये सारा इतना ही नहीं हो रहा है, डिलीवरी एक तो माँ को प्रॉब्लम हो गया, बच्चे को गर्भ के अंदर प्रॉब्लम, डिलीवरी के समय प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद ये डिलीवरी के बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आगे चलकर भी काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। 2 साल के बच्चों को आज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है, और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बच्चा ऐसे है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान है ना माँ की मेंटल कंडीशन ऐसी थी। आजकल हम देखते हैं बच्चे, जैसे मैंने कहा पहले भी, एक जगह शांति से नहीं बैठते हैं, उसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इतने हाइपर बच्चे, क्यों हाइपर बच्चे है, क्योंकि माँ वैसे थी। ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, आपने तारे जमीन पर मूवी देखी है उसमें दिखाया है जो बच्चे है वो ईशान जो था उसको क्या था, डिसलेक्सिया है ना, माना जो अल्फाबेट्स है वो सब उसको उल्टे लिखते है, अभी उसको कहा प्रेगनेंसी के, उसके पापा को कितना एकदम अरोगेंट एकदम गुस्सा करने वाला दिखाया है, अभी उसका असर बच्चों के ऊपर होता है। उसी मूवी में आपने देखा होगा जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं ना, मेंटली चैलेंज है उनको, हम किसी की बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते, अभी साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ है, हमें प्रिवेंट ही करना पड़ता है इन सब बातों को। तो ये मेंटली चैलेंज जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, इतना ही नहीं आगे चलकर जब ये बड़े होंगे बच्चे 20 साल 25 साल 30 साल इनको तभी हार्ट अटैक हो रहा है। अभी पापा बेटे को लेकर आते हैं, हमारे यहाँ नीचे आईसीयू है 25 इयर्स, तो पहले जमाने में क्या होता था बड़ों को आईसीयू में रखा है तो बड़ों को देखने के लिए हम जाएंगे, अभी बच्चों को देखने के लिए पापा को आना पड़ता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स, इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है
ये जो समय है फर्स्ट 1000 डेज आपको बहुत ध्यान देना है। तो किन बातों के ऊपर ध्यान देना है? तीन बातों के ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं। फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना होगा हमें? डाइट और एक्सरसाइज। मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या करना होगा? मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए हमें दो बातें करनी है। एक तो नींद जो है वो हमारी बहुत गहरी नींद आनी चाहिए, है ना, साउंड स्लीप होनी चाहिए। और दूसरा है मेडिटेशन। एक जो मैकेनिज्म है वो गॉड ने बाय बर्थ गिफ्ट दिया हुआ है ना, साउंड स्लीप का, उसमें भी हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो साउंड स्लीप क्या है? इट इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन, है ना। आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, लेकिन इट इज लाइक मेडिटेशन। आप पूरी जितनी भी आपकी बॉडी में जो डैमेज होता है वो पूरा हम रिकवर करते हैं स्लीप में। और मेडिटेशन क्या है? कॉन्शियस स्लीप। मेडिटेशन क्या है? जैसे हम स्लीप में हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है, वैसे हमें कॉन्शियसली करना है। तो हम मेडिटेशन के बारे में भी देखेंगे। तो हमें इन चार बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो डाइट के लिए अभी क्या करना है? तो ये पूरा जो है ना, ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि 2-3 घंटे में हम पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकते। तो इट इज 30 आवर्स सेशन, एवरी डे 1-1 आवर का सेशन है। तो इस ये जो जर्नल भी हमने उसी के लिए फिर बैठकर बनाया। इसमें आप देखेंगे week 1, 2, 3, 4 है। वीक के day 1 से लेके day 7 तक आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है। तो जैसे अभी यहाँ पे दिया है कि हमें मदर्स को, वैसे बेबी को बनाना है, तो सबसे पहले सुपर मॉम किसको बनाना होगा? मम्मा को सुपर मॉम बनाना है, तभी जाकर हमारे जो बच्चे हैं वो सुपर बेबी बनेंगे। तो ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मम्मा को ये सारा विजुलाइज करना है। ये पूरा जो एक्टिविटी बेस्ड जर्नल है, तो उसमें देखना है कि मम्मा कैसी है आज, स्माइलिंग एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, मम्मा कैसी है एज लविंग एज मदर टेरेसा। तो जब मम्मा सुपर मॉम बनेगी, तब जाकर फिर बेबी क्या होगा? सुपर बेबी बनेगा। फिर आपको ये होमवर्क करना है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जैसे आप देख रहे हैं week 1, और यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं, तो कौन से डे पे क्या क्या एक्टिविटी करनी है। तो ये पूरा 30 डेज का, और इसके हमने पूरे के पूरे ऑनलाइन सेशन लिए हुए हैं, क्योंकि कोविड में हम कोई गर्भ संस्कार के यहाँ फिजिकल क्लासेस नहीं कर सकते थे। तो हमने 2020 में कोविड जब आया तब ऑनलाइन सेशन चालू किए। तो अभी ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक हम डेली सेशन लेते थे। अभी हम क्या करते हैं? एवरी वीक सेशन होते हैं, मतलब एवरी मंथ जो है 1st to 5th, है ना, पहले 5 दिन जो है वो डेली सेशन होते हैं। आपको ऐसा पोस्टर आपके सभी के फाइल में दिया हुआ है, और उसमें मीटिंग आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है जाने का। 1st to 5th तक डेली सेशन होते हैं, और फिर 1 in a week होते हैं। जैसे एवरी फ्राइडे आपका गर्भ संस्कार होता है, और एवरी थर्सडे जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे आज सेशन में जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं वो भी सेशन अटेंड करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आपकी पूरी सिस्टम चेंज कर रहे हो। तो आप सोचो, जो एक तैयार होता है वो भी अच्छे क्वालिटी का होगा, स्पर्म अच्छी क्वालिटी का होगा, तो होने वाला जो एम्ब्रियो भ्रूण है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, तो प्रेगनेंसी रहने में भी इजी होता है। तो ये सारे सेशंस हमारे एवरी वीक चलते हैं, तो वो सेशंस भी आपको अटेंड करने हैं। आपको ये जर्नल भी लेना है। ये जर्नल वैसे 750 है, लेकिन अपने सभी पेशेंट्स के लिए ये ऑलमोस्ट 50%, 400 में ही ये जर्नल है। और इसमें सभी जो भी सेशंस है, मतलब जो भी एक्टिविटी, दोनों लैंग्वेज में है, आप देखेंगे इंग्लिश में भी है और हिंदी में ही है। तो क्या होगा? बेबी दोनों लैंग्वेज का, बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है। यदि किसी को इंग्लिश नहीं भी आता है, तो हमारे आजू बाजू में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं वो भी सुना सकते हैं। तो अंदर ही बेबी काफी सारे लैंग्वेजेस भी सीख लेता है। तो हम बात कर रहे थे डाइट की, तो इसमें डाइट के लिए भी काफी सारी बातें दी हुई है कि माताओं का डाइट कैसे होना चाहिए, माताओं को क्या क्या खाना चाहिए, पूरा ये चार्ट लिखा हुआ है ना। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय हमको मिनिमम 4-5 टाइम्स खाना होता है। ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर कुछ हम फ्रूट्स वगैरह लो, लंच होगा, फिर इवनिंग में कुछ स्नैक्स लेंगे, और डिनर होगा। तो तभी आपके खाने में क्या क्या आना चाहिए, ये सारा इसमें हमने दिया हुआ है। तो वैसे डाइट के बारे में आप देखेंगे, हम सभी को पता है इंडियन कल्चर में हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा अन्न होगा वैसे हमारा मन होता है, वैसे हमारा
जीवन होता है। जैसे हमारा पानी होगा वैसे हमारी वाणी होगी, जैसे हमारा आहार होगा वैसे ही हमारे विचार होते हैं और वैसे ही हमारा व्यवहार होता है। तो यदि मेरा जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए तो मुझे ध्यान कहाँ देना है? अन्न, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा जीवन। तो ये बातें इंडियन कल्चर में तो थी, लेकिन साइंस ने इसे प्रूव किया। इंडियन कल्चर में आप देखो, हम सभी सूजी का हलवा बनाते हैं, मराठी मध्य अपन शिरा मुंडो। तो अभी ये सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने क्या क्या लगता है, रवा लगेगा, मिल्क लगेगा, ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, शुगर लगेगा। तो जो जो इंग्रेडिएंट है हमने तीन जगह सेम इंग्रेडिएंट दिए, कहीं कम ज्यादा नहीं। एक जो है एक हमने दिया घर में मम्मा को, मम्मा ने बहुत प्यार से अपने बच्चों को बनाया। फिर दूसरा हमने क्या किया, होटल में जो शिरा बनाने वाला है हलवा उसको दिया, और तीसरा हमने प्रसाद के लिए बनाया। तो तीन जगह हमने सेम इंग्रेडिएंट दिए, तो तीनों जगह का टेस्ट सेम होगा कि अलग अलग होगा, बताइए? तीनों जगह का टेस्ट सेम रहेगा क्या? नहीं, अलग अलग। जैसे गुरुद्वारे में बना या फिर हमने प्रसाद सत्यनारायण की पूजा के लिए बनाया, तो कौन सा वॉट टेस्टी होगा? जो प्रसाद के लिए बनता है। क्यों? क्योंकि प्रसाद बनाते समय हम क्या करते हैं, ईश्वर परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के बहुत अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे गीत हम चालू रखते हैं, और फिर ईश्वर परमात्मा की याद में हम वो भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। देखो, हमें सत्यनारायण की पूजा का प्रसाद इतना सा ही मिलता है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खाएंगे और फिर घर लेकर आएंगे। घर में जितने भी 10 लोग हैं तो 10 को बांटेंगे। क्यों दे रहे हैं भैया? घर में इतना बड़ा बन रहा है तो इतना क्यों देने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि उसमें से जो एनर्जी आपको मिलेगी वो हाई एनर्जी फूड बन जाता है। तो मिनिमम 3 बार तो हम खाते ही कि नहीं, और प्रेगनेंसी में जैसे मैंने कहा 4-5 बार। तो प्रसाद कैसे बनता है? जो भी खाना आप ईश्वर परमात्मा की याद में बनाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, वो हाई एनर्जी फूड बन जाएगा, और जिससे फिर हमारे अंदर वो एनर्जी आएगी। हाई एनर्जी से हमारा मन शांत हो जाता है, मन शक्तिशाली हो जाता है। तो उसकी विधि क्या है, आपको YouTube पे इतने अच्छे अच्छे प्यारे भगवान के भजन गीत चलते हैं, आप क्या करना, वो गीत ऑन रखना। तो जैसे ही आप गीत गुनगुना रहे तो वो सारे वाइब्रेशन, ये पूरी जो दुनिया ये सृष्टि चलती है ना, ये सारा वाइब्रेशन का खेल चलता है। ये खेल जो है ना 3 सत्ताओं में चलता है, एक है पुरुष मन आत्माए, फिर ये प्रकृति और परमात्मा। तो ये सारा, ये हम बाद में देखेंगे, पूरा जो कुछ खेल चल रहा है ना, ये सारा वाइब्रेशंस का खेल है। तो हमें हमारे वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशंस कैसे जनरेट होते हैं? हमारे विचार, जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प से तरंगे निकलती है, उसको वाइब्रेशंस कहा जाता है। तो ये साइंस ने प्रूव किया। साइंस ने क्या किया, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर मसारो इमाटो, इन्होंने रिसर्च किया। किसके ऊपर रिसर्च किया? उन्होंने जैसे अपनी प्लांट है तो पौधों के ऊपर किया, पानी के ऊपर किया, ग्रेन्स के ऊपर किया। तो जैसे अभी पानी मान लो ये ग्लास है, तो वैसे हमने 2 ग्लास लिए पानी के, 2 पानी के ग्लास में पानी रखा, और एक के ऊपर लेबल चिपकाया मदर टेरेसा, है ना, दूसरे ऊपर लेबल चिपकाया एडॉल्फ हिटलर। तो क्या है, अभी ये पानी किसी को नहीं पीना है, ना ही मदर टेरेसा ने पिया हुआ पानी हमने रखा है, ना ही एडॉल्फ हिटलर ने पिया हुआ पानी रखा है। अभी जैसे हम लोग मान लो 50 लोग हैं, तो हमने इस रिसर्च में क्या किया, 50 लोग आए, उनको क्या करना था, सिर्फ पढ़ना था इसके ऊपर जो लेबल है, लेबल सिर्फ मन ही मन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, मदर टेरेसा या एडॉल्फ हिटलर, और फिर आप सब लोग चले गए। फिर हमने क्या किया रिसर्च में, दोनों ग्लास में से एक एक पानी की बूंद को निकाला, वॉटर ड्रॉपलेट, उसको स्लाइड के ऊपर रखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे लैब में आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप होता है, उसके ऊपर रखा, और फिर जो इमेजेस आए उसके हमने हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से उसके फोटोग्राफ लिए। तो क्या पाया गया, जिसके ऊपर मदर टेरेसा लिखा था वो जो इमेजेस थी वो बहुत सुंदर रंगोली के जैसे, और जिसके ऊपर हिटलर लिखा था ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। ऐसे क्यों हुआ? पानी तो सेम है, सेम रूम टेम्परेचर में, अभी जैसे यहाँ फुल एनवायरमेंट है तो दोनों एक ही रूम टेम्परेचर पे रखा है, ऐसे नहीं कि एक मैंने धूप में रखा है एक यहाँ रखा है। तो अभी इसके ऊपर असर किसका हुआ? पानी तो सेम है, तो पानी के ऊपर चेंज क्या हुआ? हमने जो सोचा, हमने सभी ने सोचा
मदर तेरेसा, मदर तेरेसा, मदर तेरेसा, अडॉल्फ हिटलर, अडॉल्फ हिटलर। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं मदर तेरेसा सोचती हूँ तो मेरे मन में क्या मूर्त आती है, प्यार की मूर्त, है ना, बहुत कंपैशन, प्यार, बहुत खुशी जैसे होती है। और अडॉल्फ हिटलर सोचने से क्या होता है, मेरे मन में क्या विचार आते हैं कि एकदम निगेटिव, है ना, हिटलर बना सब ब्लड वायलेंस। तो जैसे ही क्या हुआ, तुरंत मेरे थॉट प्रोसेस चेंज हो गए और उसका असर कहाँ हुआ, बाहर वातावरण में, पानी के ऊपर हुआ। तो अभी पानी बाहर है, उसके ऊपर हमारे विचारों का इतना असर हो रहा है। तो आप सोचिए, हमारा शरीर 70% वाटर है, पानी से बना हुआ है, तो हमारे शरीर के अंदर कितना असर होता होगा। और जो बेबी हमारे गर्भों में पानी के अंदर है, तो पानी से क्या होता है, पानी तरल तत्व है, तो वाइब्रेशन जल्दी फास्ट ट्रेवल होते हैं। इसीलिए देखो, पूजा होती है या हमारे घर में कुछ फंक्शन है तो वो जो गुरुजी है वो क्या बोलेंगे, अभी पंचामृत लेके आओ, है ना, यहाँ रखो पंचामृत, और फिर वो मंत्रोच्चार करते हैं। मंत्र क्या है, हाई एनर्जी वर्ड से। तो जैसे हमने हाई एनर्जी वर्ड से क्या हो रहा है, वो जो पानी है वो क्या बन रहा है, अमृत बन रहा है। तो जैसे हमने फूड को, है ना, हाई एनर्जी फूड कैसे बनाना है, हाई एनर्जी वर्ड्स यूज करने हैं। जब हम निगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे तो वो क्या है, लो एनर्जी वर्ड है, तो वो हमारी एनर्जी को नीचे लेकर आते हैं और हमें हमारी एनर्जी को बढ़ाना है। तो कैसे बनाएंगे उसको अमृत, फिर वही तरीका है ना, क्या करेंगे जो भी हमारे बाप, क्योंकि काफी बार ऐसे होगा कि भोजन हम खुद नहीं बना सकते, जैसे मैं अभी नहीं बना सकते भोजन, लेकिन खाना तो मुझे ही है ना, तो मुझे क्या करना है, इस पानी को, इस भोजन को प्रसाद बनाना है। तो कैसे करना है, जस्ट 30 seconds, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि भगवान को भी पता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं। 30 seconds हमें ईश्वर परमात्मा को याद करना है, जरूरी नहीं कि हम भजन लगाए, हम ईश्वर परमात्मा को याद करें, परमात्मा से वो पॉजिटिव एनर्जी, पवित्रता, प्यूरिटी के वाइब्रेशन इस पानी में, इस खाने में प्रवाहित हो रहे हैं और ये पानी अब अमृत बन चुका है, ये भोजन जो है ये प्रसाद बन चुका है। और फिर उसके बाद हमें वो पानी, हमें वो फूड, हमें वो फ्रूट, जो भी होगा उसके बाद ही उसे लेना है। क्योंकि आप देखो, अभी आप फ्रूट खा रहे हो, लेकिन वो फ्रूट कहाँ से आ रहे हैं, सब्जी मंडी से। आप थोड़ा सा इमेजिन करो, वाशी के सब्जी मंडी में जाकर देखो, है ना, वहां क्या चल रहा है, वो सब एनर्जी कहाँ ट्रैप हो रही है, उस फ्रूट्स में, है ना, उस वेजिटेबल्स में। और वो सारा, माना बाकी फिजिकल लेवल का तो आप छोड़ ही दो, पेस्टिसाइड्स वगैरह, फिर तो हमें कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा, है ना, सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए देखो, पूछते है ना, अरे तू कुठल्या गावचं पाणी पिऊन आलेला आहे, क्यों, क्योंकि वो सब पानी पीने से बना वो एनर्जी हमारे अंदर जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी हम पानी ले रहे हैं, जो भी खाना ले रहे हैं, तो खाना बनाने से पहले, खाना खिलाने से पहले और खाना खाने से पहले हमें ध्यान कर कहाँ रखना है, मेरी माइंड स्टेट क्या है। नहीं तो देखो, जैसे एग्जाम्स होती है तो मम्मा क्या करती है, बहुत प्यार से, है ना, बच्चों के लिए मिल्क बनाती है ना, मिल्क लेगी, उसमें बोर्नविटा भी डालेगी, बादाम भी डालेगी, और फिर स्पून से उसको स्टर कर रही है और फिर सोच रही है, पता नहीं पूरे साल तो कुछ पढ़ा नहीं इसने, अभी कैसे रिजल्ट आने वाला है, तो क्या होगा, उसका एग्जाम कैसे जाएगा, आप बताइए, सोचिए तो सही। या मान लो, है ना, हस्बैंड का ऑफिस में कुछ प्रमोशन होने वाला है या इंस्पेक्शन है ना, और कुछ है, और फिर थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, और फिर वाइफ जो है वो बहुत टेंशन में, और फिर सब्जी बना रही है, पता नहीं इन्होंने तो किया नहीं, आज इंस्पेक्शन भी है, क्या होने वाला है, तो क्या होगा, आप बताइए वो भोजन खाने से। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, और भाई लोग आप सभी भी जो घर के, है ना, किचन में जो भी काम करने वाले हैं, भोजन बनाने वाले, वैसे तो इस साल गर्मी में उनका हाल बेहाल हो गया था, उसके बाद आप शब्दों से कुछ बोलते हैं तो और वो खाने पे असर होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम जो भी भोजन बनाने वाले, हमारी अन्नपूर्णा है, उनको बहुत खुश रखे, और जो हमारी अन्नपूर्णा है वो भी ध्यान रखे। यदि भाई किसी वजह से, हो सकता है ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, वो हमें खुश नहीं रख सकते, तो भी हमें खुश रहकर ही भोजन बनाना है। कुछ भी हुआ, 2 मिनट आप साइलेंस में जाइए और आप बहुत प्यार से उस ईश्वर परमात्मा को, है ना, जैसे हम अपने पिता को बाबा कहते हैं तो आप उनको भी बाबा कह सकते हैं, मीठे बाबा, जैसे आप बोलेंगे ना, आप वंडर देखो, आप शांत हो जाएंगे।
फिर आप जाकर वो भोजन बनाओ, तो क्या होगा, वो जो भोजन है वो प्रसाद खाने से जो भी कुछ होगा ना, ऊपर नीचे चल रहा है बच्चों का एग्जाम्स में या फिर ऑफिस में, तो वो सभी की जो असर है उसका असर आप देखिए। आप ये प्रैक्टिकल करके देखो, जैसे साइंस बिलीव्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स है ना, कुछ भी बात है तो हम क्या कहेंगे, प्रयोग करना है, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध हुआ, दैट मीन्स ये प्रूव हो चुका। तो साइलेंस है ना, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो बिलीव्स ऑन एक्सपीरियंस है ना, तो हमें ये अनुभव करने हैं, हमें प्रयोग करने होंगे कि हाँ मेरे शांत होने से क्या क्या हो रहा है, मैं जब खुश रहती हूँ तो क्या क्या हो रहा है। आप देखो जब आप शांत हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे तो क्या होगा, नेचुरली आपके शरीर में वैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा। जब आप खुश रहेंगे तो आप सभी से कैसे मिलेंगे, बहुत खुशी से प्यार से मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो हमारे संबंधों में क्या होगी, मधुरता आएगी। अभी जब मम्मा बहुत ऐसे गुस्सा कर रही है तो बेबी को अंदर क्या लगे, अरे कहाँ जेल में फंस गया है ये, तो कभी इस जेल से मैं बाहर आ जाऊंगा, ऐसे लगेगा कि नहीं। और जब आप खुश रहते हो बहुत प्यार से तो उसको क्या लगेगा, जैसे ये मैं कहाँ महल में हूँ, है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको जेल बनाना है, हमारे घर को भी जेल बनाना है, या हमारे घर को बेबी के लिए घर तो ये है ना। तो वैसे हमें डिसाइड करना है। जब आप शांत रहते तो बेबी भी अंदर सोचते हैं वाओ मेरी मम्मा कितनी शांत कितनी खुश रहती है, तो हमें वैसे रहना है ताकि उसको फील हो जाए कि अंदर ये जैसे महल है। तो हमारी सोच का असर आप देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे संबंधों में। आज क्या हो रहा है, संबंधों में ही मनमुटाव हो रहा है, संबंधों में ही। इसीलिए हमारी जो दादी है वहां के लास्ट जो है दादी प्रकाश में, वो भी अभी नहीं है, 2007 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो दादी कहती थी कि यदि संबंधों में हार्मनी होनी चाहिए ना, हार्मनी इन रिलेशनशिप, हम क्या बोलते हैं, संबंधों में मधुरता होनी चाहिए। तो दादी कहती थी बहुत प्यार से, हार मान ली, हार मोनी मना क्या, हार मान ली। तो आप हार मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, संबंधों में मधुरता आ जाएगी। तो थोड़ा सा हम नीचे झुकने से हम छोटे तो नहीं हो जाते हैं, तो हमें वैसे करना है ताकि क्या होगी, संबंधों में मधुरता आएगी। और हमारे घर का वातावरण कैसे होगा, हमारे घर में भी वो शांति खुशी प्यार का वातावरण, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता। स्वर्ग कुछ ऐसे नहीं, स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे है पाताल में, ऐसे कुछ नहीं होता है। सारा कुछ जो खेल है इस धरा पर ही चलता है, ये धरा ही स्वर्ग बन जाती है। कब धरा स्वर्ग बन जाती है, जब हमारा घर स्वर्ग बनेगा। हमारा घर स्वर्ग कब बनेगा, जब मेरा मन मंदिर मेरा मन स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग जब अंदर होगा मन में तो बाहर स्वर्ग होगा। आपको लगता है कि बाहर स्वर्ग होने से मेरा मन सुंदर बन जाएगा, तो मेरा जो मन है वही बाहर की दुनिया है। तो जब मेरी अंदर की दुनिया चेंज हो जाएगी तो बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा मेडिटेशन करना होगा। तो हम बाद में मेडिटेशन के बारे में भी देखेंगे। तो हमने देखा डाइट, डाइट में क्या देखा, जैसे हमारा अन्न वैसे हमारा मन वैसे हमारा जीवन। तो हमें ध्यान देना है, और साथ साथ फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बिल्कुल मना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे खाने में क्या आना चाहिए, वेजिटेबल्स आने चाहिए, फ्रूट्स आने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स आने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में भी क्या आने चाहिए, बादाम और अखरोट। रात को आप 4-5 बादाम 3-4 अखरोट भिगो के रखना और फिर सुबह खाने हैं। फिर हमारे खाने में स्प्राउट्स आने चाहिए। स्प्राउट्स बनाने के लिए कुछ मेहनत लगती है क्या, नहीं। तो स्प्राउट्स मिल्क, इसमें हमें मैक्सिमम कैल्शियम मिलेगा। मिल्क प्रोडक्ट्स जाने चाहिए, जैसे पनीर, ताकि हमारे खाने में जो कैल्शियम की मात्रा वो अच्छी जाएगी। फिर हमारे खाने में आयरन अच्छी मात्रा में, प्रेगनेंसी में 4 बातें, आयरन कैल्शियम फोलिक एसिड विटामिन बी12। विटामिन बी12 हमें किसी खाने से नहीं मिलता है, उसके लिए हमें कैल्शियम जिसमें विटामिन बी12 है, विटामिन डी है, वही लेना पड़ता है। तो वो इसलिए कैल्शियम अच्छी तरह से आपको टैबलेट्स भी लेना है खाने से, मैंने कहा कैल्शियम। आयरन के लिए खाने में क्या करेंगे, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन रहता है, विशेष पालक। तो पालक है, बीट है, काला किशमिश है, खजूर है काले वाले, ये हमारे खाने में, जो ड्रमस्टिक्स रहते हैं शेकटाचा शेंगा, वो हमारे खाने में आना चाहिए। लाल वाला साग, अदामाट है ना, सगे
जो भी बारिश आ रहा है तो कितने सारे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आते हैं, तो वो हमारे खाने में। ग्रीन लीफ वेजिटेबल से क्या होता है, फाइबर्स भी अच्छी मात्रा में जाते हैं। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हमें मोशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो जितना आप वेजिटेबल्स लेंगे, सलाद लेंगे, स्प्राउट्स लेंगे, तो आपको वो तकलीफ भी कम हो जाती है। तो ये हमारे खाने में आना चाहिए। क्या हमारे खाने में कम आना चाहिए? चार व्हाइट पॉइजन। क्या है वो चार व्हाइट पॉइजन? सॉल्ट, शुगर, घी, ऑयल एंड मैदा। मैदा माना बेकरी प्रोडक्ट्स हमारे खाने में ना के बराबर, क्योंकि उससे हमें और कॉन्स्टिपेशन होता है। अभी क्या होता है, पहले 3 महीने खाना नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अचार लेते हैं। अभी खाना जाना चालू होता है लेकिन हमें आदत हो जाती है, फिर भी हम अचार खाते रहते हैं। अचार में क्या होता है, मैक्सिमम सॉल्ट होता है ना, क्योंकि वो ज्यादा दिन रहने के लिए उसमें ज्यादा सॉल्ट डाला जाता है। प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, ऑलरेडी पैरों में सूजन आती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ जाने का थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। आप जब भी सॉल्ट ज्यादा लेंगे, सॉल्ट है तो सॉल्ट क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है, तो इसीलिए सूजन भी बढ़ती है। तो आपको सॉल्ट, शुगर, घी, ऑयल एंड मैदा, ये जितना कम कर सकते हो, हर एक के लिए, प्रेगनेंसी के लिए नहीं, सभी के लिए ये कम करना चाहिए। और बाकी ऐसे जैसे मैंने कहा कि भगवान को याद करके भजन संगीत वो करने से हम कोई भी भोजन को प्रसाद बना सकते हैं, तो नॉनवेज को हम प्रसाद नहीं बना सकते, मतलब कुछ भी लिया और उसको प्रसाद नहीं बना सकते, तो ये हमारे खाने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका सिर्फ शरीर के ऊपर असर नहीं, मन के ऊपर भी असर हो रहा है। शरीर के ऊपर आप देखो, साइंस ने प्रूव किया है ना, क्योंकि जो भी हमारी आते हैं इंटेस्टाइन से उसका कैंसर हो रहा है। इसीलिए वेस्टर्नर्स अभी नॉनवेज डाइट पूरा उन्होंने बंद किया है, वेज डाइट, वेज नहीं वो तो वेगन है ना, वीगन डाइट प्रिफर करते हैं। तो इतना सारा चेंजेस हो गया है, अभी उसके बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें आज फादर्स डे भी सेलिब्रेट करना है, हमें थोड़ा मेडिटेशन के बारे में भी जानना है। तो ये सारा जो है ना, इसके अलग अलग सेशंस लिए हुए हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। तो आप जैसे मैंने कहा, डॉक्टर शुभदा ने गर्भ संस्कार इम्पोर्टेंटी चैनल, उसके ऊपर प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको डाइट के भी काफी सारे सेशंस मिलेंगे। और डाइट में भी जो न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं ना, जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, तो उन्होंने लिए हुए सेशन से, तो वो आप जरूर देखना, डाइट को आप फॉलो करना। फिर सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, और जैसे मैंने कहा ना, हर एक बात के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो ये चार्ट आप जेरोक्स करके किचन में लगा सकते हैं। फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं, घर वाले भी चाहते हैं, आप सभी की जो भी एक्सपेक्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें तैयार करना होगा हमारे शरीर को भी और हमारे मन को भी, क्योंकि हम सभी ने सुना है ना, जैसा आप सोचते हो वैसे होता है, एज यू थिंक यू बिकम। अभी हमने सोचा इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा, तो आपने सोचा तो तथास्तु हो जाता है, तो आपको वैसे नहीं सोचना है, उसके लिए कोई वजह होगी, इसीलिए हुआ होगा। या हिंदी मूवी में दिखाते हैं चिल्लम चिल्ली, तो उससे आपको लगता है क्या मुझे भी इतना डर, मतलब दर्द होगा, तो ये जो डर है ना, फियर और स्ट्रेस, ये निगेटिव है। तो निगेटिव जैसे सोच से मैंने क्या कहा, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमारी जो थैलिक का मुंह है वो अच्छी तरह से खुलना चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारे शरीर में हार्मोन्स भी ठीक से रिलीज होने चाहिए। तो इसमें ना दिया हुआ है कि पूरा डिलीवरी के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे थैली का मुंह प्रिपेयर होता है, कैसे डिसेंड होता है, तो ये सारा हमें विजुलाइज करना है। होता क्या है, जिस बात का हमें पता नहीं रहता है ना, उस बात से फिर हमें थोड़ा सा डर रहता है, फियर ऑफ अननोन। इसीलिए देखो जैसे 10th 12th के जब एग्जाम्स आते हैं और हमें हॉल टिकट मिलता था, तो हम क्या करते थे, अभी इतना कॉमन नहीं है लेकिन पहले नहीं, तो हम जाकर देखते थे कौन से स्कूल में हमारा होगा, कौन सा रूम होगा, वहाँ नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो हम जाकर बैठकर भी देखते थे, क्यों, ताकि वो फियर ऑफ अननोन चला जाए। तो वैसे ही जहाँ आपकी डिलीवरी होने वाली है ना, आपको वो लेबर रूम देखना चाहिए, लेबर टेबल देखना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के समय क्या हो रहा है, हम आपको फिर जैसे ही लेबर पेन्स बढ़ते हैं, आपको लेबर रूम में शिफ्ट करते हैं, और फिर आपको बोलेंगे अभी पैर पकड़ो, सांस पकड़ के रखो, लंबी गहरी सांस लो और नीचे जोर करो, इसमें से कुछ भी कभी भी किया नहीं है, ना ही सांस पकड़ने का व्यायाम किया है, एक्सरसाइज किया है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो
नॉर्मल डिलीवरी होना ना होना डॉक्टर के हाथ में ज्यादा नहीं रहता है। जब आपने अपने शरीर को प्रिपेयर नहीं किया तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो शरीर को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना है। तो आपके लिए जो एक्सरसाइज यहाँ पे हर जैसे कल सैटरडे था तो हर सैटरडे यहाँ पे योगा एक्सरसाइज होती है। तो मैं हर एक को बोलती हूँ कि जब आप चेकअप के लिए आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी मंथ आपको यहाँ आना ही होता है चेकअप के लिए। जब आपका सोनोग्राफी है तो आप मॉर्निंग में आना, बाकी समय आप मान लो आपको थर्सडे फ्राइडे को बुलाया है, मंडे को जो भी, तो आप सैटरडे आना और इवनिंग में आना। तो सैटरडे 5 to 6 यहाँ पे हर रोज हर सैटरडे योगा क्लास होता है, फ्री योगा क्लास होता है। आपको नीचे बैठकर, शायद आप आए थे, कोई आया था आप में से? हाँ, तो देखो ये सभी आते हैं। तो सैटरडे योगा क्लास होता है, उसमें आपको योगा और प्राणायाम तो दोनों करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम से हम हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे और हमारे शरीर को, क्योंकि जितना जितना आप एक्सरसाइज, पहले क्या होता था, पहले जमाने में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कितने बार नीचे उठना बैठना होता था। अभी क्या हो रहा है, अभी एक तो मैरिजेस लेट हो रहे हैं, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा मुझे प्रोफेशन है ना, मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं सेटल हो जाऊंगी। तो हम लोग प्रेगनेंसी का एज एडवांस कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा एज एडवांस होता है हमारा शरीर चेंजेस होता है। शरीर में जो हमारे ज्वाइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो चेंज होती है, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी चेंज हो जाती है। हम उसके बाद जो है कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना, उठना बैठना, झाड़ू पोछा करना, माना क्या उठना बैठना करना पड़ेगा। ये क्यों करना है, जितना उठेंगे बैठेंगे आपका पेल्विस ओपन हो जाता है। जब पेल्विस ओपन होगा तब हेड एंगेज होगा, हेड एंगेज होगा, हेड का प्रेशर आएगा, तब थैली का वो जो थिक है वो धीरे धीरे पतला होगा। तो जैसे रबर है, ठीक है, तो मैं उसको स्ट्रेच नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो पतला होगा तो स्ट्रेच होगा, उसके बाद वो थैली का मुंह खुलना चालू होता है। तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। भले आप वर्किंग है तो भी एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ आप समय निकालकर वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, बटरफ्लाई करो, स्क्वाट्स करो, है ना, ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी पेल्विस ओपन होता है। तो ये सारा, इसके हमने वीडियोस भी बनाए, जितने मैंने अभी आपको दिखाए डाइट वगैरह उसके वीडियोस बने हुए हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है, स्क्वाट्स करने हैं, आपको बटरफ्लाई करने हैं, ये डिलीवरी का प्रोसेस, इसको हमें विजुलाइज करना है। तो इसको नॉर्मल डिलीवरी की कमेंट, तो इसमें राइटअप दिया हुआ है, उसको भी बाहर कर लेना, चाहिए तो लिख लेना। आप उसके वीडियोस देखना कि कैसे लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, कैसे वो फिर आपका, आपको एडमिट करने के बाद आपको तभी भी क्या क्या एक्सरसाइज करने। तो जितना जितना आप विजुलाइज करते जाएंगे तो तभी जब डिलीवरी का समय आएगा ये सब करना आपके लिए इजी होता है, और तब जाकर फिर हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, एज यू थिंक यू बिकम, संकल्प से सिद्धि। आपने सोचा मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो क्या होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ऐसे जब हम कहते हैं तो हमारी माताएं और डबल स्मार्ट, वो क्या सोचती है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में, माना एक के ऊपर एक फ्री, नॉर्मल भी होनी चाहिए और कम समय में भी। तो ये मैंने आपसे माताओं से ही सीखा, क्योंकि हमारी भारत की माताएं है ना, झांसी की रानी, बहुत शक्तिशाली भी होती है। तो ये सारा आपको इस जर्नल में भी दिया हुआ है, फिर डिलीवरी के समय आपको क्या क्या लीस्ट बेबी के लिए लेकर जाना है, मम्मा के लिए, फिर बाकी सारा मेडिटेशन के बारे में, आधा बुक इसमें मेडिटेशन, क्या क्या बेबी को कैसे बेबी टॉक करना चाहिए, बेबी को हमें कैसे सिखाना है ना, कि बाद में फिर वो उठने के लिए भी आना पानी नहीं करेगा, उसको कब उठना है, उठने के बाद क्या क्या करना है। तो ये सारा ना इस बुक में दिया हुआ है। जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे कि कब उठना है, उसको कब सोना है, स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म देखो कैसे ब्रश करना है, क्या करना है, जो जो आप प्रोग्रामिंग आप करेंगे, तो ये इट इज लाइक बेबी टॉक रनिंग कमेंट, क्रिकेट में होती है ना, तो वहाँ क्या चल रहा है वो हम यहाँ अनुभव करते हैं। तो वैसे मम्मा को रनिंग कमेंट भी करनी है, मना क्या करना है, मम्मा अभी स्नान करने जाएगी, तो मम्मा को रनिंग कमेंट भी करनी है कि मम्मा अभी स्नान करने जा रही है, मान लो दो शॉवर है, तो ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है,
तो इससे हमें क्या करना है, मम्मा अभी सोप लगा रही है, सोप से हमारी जो भी डर्ट वगैरह है वो निकल जाता है। तो बाद में आपको बेबी को बोलना नहीं पड़ेगा स्नान करने जाओ, सोप यूज करो, ये कुछ नहीं करना है। तो अभी 9 महीने आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, 9 महीने भी नहीं है ना, पता चलता है तब तक 3-4 महीने चले जाते हैं। तो 2-3 महीने अभी आपने सब ये किया तो बाद में नहीं करना पड़ेगा। आपको लगता है कि बेबी ने बाद में सब्जी खाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, तो मम्मा को अभी से उसको करेला खाना पड़ेगा, तब जाकर बेबी भी करेला खाएगा। नहीं तो मम्मा अभी ऑर्डर कर रही है स्विगी जोमैटो और फिर पिज्जा बर्गर, फिर बाद में नहीं कहना मैडम इसको बोलो थोड़ा सब्जी खाने के लिए, मम्मा ने खाया क्या, मम्मा खाएगी तो बेबी खाएगा। फिर ये नहीं बोलना कि इसको तो खाने के समय भी मोबाइल ही चाहिए, मम्मा अभी क्या कर रही है, वही सब प्रोग्रामिंग होने वाला है। तो हमें जो जो हम चाहते हैं वो पहले लिख ले और वैसे संस्कार अभी हमारे बना ले, जो अभी आपके संस्कार होंगे वैसे ही बेबी के संस्कार होने वाले। तो संस्कार कैसे हमारे बनते हैं, संस्कारों को कैसे बनाना है, ये अभी हम बाद में जो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद फिर हम जो है मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे हमारे संस्कार बनाने हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आप सभी ने अभी तक का सेशन बहुत प्यार से सुना, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम ज्योति आई है क्या, फोन कर दो मुझे। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में हम ब्रेकफास्ट करेंगे। सपना है ना, पॉज कर। तो हमारी जो इम्यूनिटी है ना, तो 3 बातें विशेष, एक तो हमारे हार्मोन्स, आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे तो फिर हमारी ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा। दूसरा जो है वो हमारा जीन्स है ना, तो पॉजिटिव जीन्स, हमारे हेल्दी जीन्स ओपन अप होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। तीसरा हमारी इम्यून पावर अच्छी होगी तो फिर हमें बीमारियां नहीं होंगी। नहीं तो कोविड में क्या हुआ था, कोविड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुआ, डर गए ना, डर के वजह से इम्यून पावर कम हो गई। तो वायरस जो है वो वायरस, कोविड वायरस से ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुए। कौन से वायरस से ज्यादा प्रॉब्लम हुए, फियर है ना, तो फियर और एंगर ये जो वायरसेस है ना, इनको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। और वो कंट्रोल कैसे करेंगे, मेडिटेशन के द्वारा। तो जितना जितना मेडिटेशन करेंगे हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, प्यार से भरपूर रहेंगे, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, हेल्दी जीन्स ओपन अप हो जाएंगे और हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी होगी। और हमने क्या क्या देखा, हमारा हम खुश रहते तो मन शक्तिशाली, मन खुश रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तीसरा असर कहाँ होता है, संबंधों में मधुरता आती है। और चौथा हमारे घर का वातावरण जो है वो शांति खुशी प्यार का होता है। और गर्भवती माताओं के लिए विशेष गर्भ महल का निर्माण होता है, तो इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन लावला का, तो इसीलिए हम सभी क्या करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में देखेंगे। तो सभी सीमा बहन लावला का